वेलकम है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल एसी रिपेटिव्स में। आज जैसा कि आप थंबनेल और टाइटल देखकर समझ गए होंगे कि आज मैं आपको डाइकिन के एसी के बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर कैसे आप एरर कोड पता कर सकते हैं, क्योंकि इसके स्प्लिट एसी के इंडोर में डिस्प्ले नहीं होता है, सिर्फ LED लाइट रहती है, कोई हमें डिस्प्ले शो नहीं करता, एरर कोड नहीं दिखाते हैं। तो हम जो है रिमोट से ही कैसे पता लगा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर डिस्प्ले रहता है, इसी के अंदर हमें बता देता है कि कौन सा एरर ट्रिप कर रहा है। आप ये पूरे रिमोट में देखेंगे कि नीचे में जो बटन है कैंसिल वाली, हमें सिर्फ उसी का काम है, उसी से हम एरर कोड पता लगा सकते हैं। एरर कोड के लिए ऑलरेडी मैं डाल चुका हूँ, हमारी वीडियो ऊपर आपको आई बटन पर दिख रही होगी, आप वहाँ जाके एरर कोड चेक कर सकते हैं। लेकिन एरर कोड कौन सा है वो चेक करने के लिए आपको सबसे पहले ये कैंसिल की बटन दबा कर रखना है 5 सेकंड तक। 5 सेकंड दबा के रखने के बाद जैसे ही आप इसे छोड़ेंगे तो इसके अंदर कुछ इस तरीके का आपको डिस्प्ले शो होगा, 00। 00 का मीन्स है आपका AC नॉर्मल है। और उसके बाद आप कैंसिल की ही बटन जब दबाएंगे तो आपका जो है अलग अलग टाइप के एरर कोड शो करेंगे। इसके अंदर जितने भी एरर कोड डाइकिन में आते हैं वो सारे इसके अंदर इनबिल्ड है। नेक्स्ट करने के लिए आपको कैंसिल की ही बटन दबाना है, ये ऑटोमेटिक नेक्स्ट होते रहेगा। याद रखें ये सारा प्रोसेस करते वक्त आपको रिमोट को जो है AC की तरफ रखना है, AC को पॉइंट आउट करके रखना है। जैसे ही आप एरर कोड चेंज करेंगे तो इसके अंदर जो है एक ब्लिंक की आवाज़ आएगी, आपको बीप की आवाज़ आएगी, जो कि हर एक एरर पे एक बार आती है। जो एरर कोड पे आपका मशीन ट्रिप हुआ है वो एरर कोड पे 2 बार बीप की आवाज़ आएगी। फॉर एग्जांपल अगर ये जैसा E6 या H6 पे अगर आपका मशीन ट्रिप है तो H6 जो है H6 पर आपको 2 बार बीप की आवाज़ आएगी। तो समझ जाइए कि आपका AC H6 पर ही ट्रिप है। और H6 का मीनिंग क्या होता है, उसका एरर कोड किस चीज़ का है H6, वो जानने के लिए आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं और या हमारी वीडियो लिस्ट में जाकर भी देख सकते हैं। वापस कैंसिल करने के लिए आप कैंसिल की ही बटन दबा के रखें तो आपका रिमोट वापस होम पोजीशन पर आ जाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।